नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से कोई मौका नहीं छोड़ते कि कांग्रेस और यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, लेकिन हर बार जब वे ऐसा कोई काम करते हैं, जब भी वे कांग्रेस की या तत्कालीन यूपीए सरकार की आलोचना करते हैं, वे खुद ब खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रायः वे ये भूल जाते हैं कि यूपीए वन और यूपीए टू दोनों सरकारों में वे खुद शामिल थे। बतौर मंत्री सरकार की हर रीति नीति में वे सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ जिम्मेदार थे। हाल में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर एयर इंडिया के बिकने पर, एयर इंडिया के निजीकरण पर एक बार फिर यूपीए की सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में, सांसदों ने कोई सवाल पूछा था एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर, उसके विनिवेशीकरण को लेकर, उस पर उन्होंने तमाम सारे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि एयर इंडिया का जो निजीकरण हुआ है, जो विनिवेशीकरण हुआ है, वो यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते हुआ है। तो आइए पहले सुन लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में क्या बयान दिया है, उसके बाद हम ये मीमांसा करेंगे किस तरह के बयानों के बाद उन्हें किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि आप खुद सरकार में शामिल थे। आइए पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान सुन लीजिए। 2005 के पहले जो, देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है, 50,000-55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट खरीदी जाती हैं, और भाग एक क और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती है, और 5 एयरक्राफ्ट B-300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। ये और कर दिया, 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, तो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं लेकिन दोनों कंपनीज का मर्जर करते हो। भारत सरकार की इक्विटी की इन्फ्यूजन 54,000 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया, और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए अध्यक्ष महोदय इस कंपनी का विनिवेश किया गया। तो आपने सुना कि वे तमाम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि 2004-05 तक एयर इंडिया फायदे में चलती थी और उसके बाद 111 विमानों की खरीद के बाद घाटे में चलने लगी। एयर इंडिया और एयरलाइंस के एकीकरण को, उसके मर्जर को भी वे गलत ठहरा रहे हैं। आइए उन्हें ये याद दिला दें कि वे खुद 2007 में यूपीए की सरकार में मंत्री बने थे, उनके पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था। उसके बाद 2009 में जब यूपीए की दोबारा सरकार बनी तो वे फिर केंद्र सरकार में मंत्री बने, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में
वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब वे खुद सरकार में शामिल थे, हमारी संसदीय परंपरा में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हर शख्स सरकार की हर नीति रीति में बराबर का साझेदार होता है, बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का निर्णायक है, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी फैसला अकेले प्रधानमंत्री नहीं करते, केंद्रीय मंत्रिमंडल उस फैसले में शामिल होता है, उसके बाद वो संसद से पारित होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एयर इंडिया के बिकने को, उसके निजीकरण के लिए यूपीए की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसकी गलत रीति नीति को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, तो वे खुद भी इस गुनाह में बराबर के साझेदार हैं। यह पहला मौका नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीए की सरकार को, यानी 2014 से पहले की सरकार को कोसने का काम किया है। अभी फरवरी महीने में वे छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, तब भी उन्होंने राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर कहा था कि राहुल गांधी 2014 से पहले के उस देश की बात कर रहे हैं जिसमें विकास नहीं होता था, प्रगति नहीं होती थी, सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। यानी 2014 से पहले जिस सरकार में वे खुद शामिल थे उसे भ्रष्ट बता रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रकारांतर से वे खुद को भी भ्रष्ट बता बैठे। आइए ये बयान भी उनका सुन लीजिए। मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई, और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले, और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है, और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में। अब हम आपको याद दिला दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुल 20-22 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल कांग्रेस में रहे हैं। 2001 में उनके पिता की मृत्यु हुई थी विमान दुर्घटना में, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीर भी देख लीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी के साथ वे सोफे पर बैठे हैं, पीछे 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्री उनके कांग्रेस के प्रवेश के समय मौजूद थे, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल बोरा और दिग्विजय सिंह, और तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। इन सब की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस में प्रवेश दिलाया था। अपने पिता की सीट गुना स्यूपरी संसदीय सीट से वे लगातार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनते रहे। 2004-2009 दोनों यूपीए सरकारों में वे मंत्री बने, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक थे, चीफ व्हिप। इसके अलावा महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कांग्रेस में 20 सालों तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए शायद उन्हें जानकारी नहीं मिली कि यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री रहते हुए उन्हें नहीं मालूम हुआ कि उसकी आर्थिक रीति नीतियों से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस डूब रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे 10 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराकर 11 मार्च को दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से उन्हें यूपीए सरकार के सारे भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने लगी है। लेकिन वे बार बार ये भूल जाते हैं कि वे खुद दोनों सरकारों में मंत्री की हैसियत से शामिल थे। और जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे बयान देते हैं तब सोशल मीडिया पर, उनके खुद के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर सैकड़ों लोग ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जब आप यूपीए सरकार में थे, जब आप कांग्रेस में थे, तो क्या सचमुच आपको नहीं मालूम था
कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। कल के उनके संसद में दिए गए बयान के बाद भी वरिष्ठ पत्रकार सुजीत नैयर ने ट्वीट करके उनसे पूछा है कि एयर इंडिया की दुर्दशा में आप कहां थे। उन्होंने कहा है कि अब आप एक ऐसे महावत हैं जिसका कोई हाथ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। मजेदार यह है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस वक्त सदन में यूपीए सरकार को घेर रहे थे, तब यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी सदन में उनके सामने बैठी थी। जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे बयान जिसमें वे कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी या बाकी सब सुनते होंगे, तो उन्हें सोहेल अजीमाबादी का शेर याद आता होगा, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन जो दिल पे लगा आके एक दोस्त ने मारा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल तक राहुल गांधी के निजी दोस्त थे, अब उन्हीं की तरफ पत्थर उछाल रहे हैं। लेकिन सियासत में ये बहुत आम है। देखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले दिनों में कांग्रेस को कोसते कोसते खुद को कितनी बार और कोसते हैं, इसका इंतजार करना होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।